जेट ब्लैक शीशे के एस कार डेकोर, एक हूटर मंगवा लिया आपके लिए। अपन ये सीट हटा रहे हैं। अरे भैया को अभी पुलिस ने नहीं पकड़ा, जय को ख्यालों से निकाल। ये देखिए अब ये लगेगा कैसे, इसको तो लगा ही नहीं सकते ना। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आज जैसा आप लोग देख सकते हैं अपन लोग बैठे हुए अपनी नई गाड़ी के अंदर। मंजिया कैसा लग रहा है आपको नई गाड़ी में बैठ के? नई गाड़ी तो भाई मजा आता है, मजा आ रहा है यार, फिर थार का मुकाबला ही नहीं है। तो आज हम लोग अभी कहाँ जा रहे हैं मंजिया बताएंगे आप लोगों को थोड़ा सा, फिर पूरी बात तो मैं बताऊंगा आपको। जैसे थोड़ा सा बताओ थोड़ा। अभी तो हम जा रहे हैं हमारे राजनीतिक कार्यालय, वहाँ नेताजी को जूस पिलाएंगे, फिर अपने थार का काम कराने के लिए फिर जाएंगे, थार का मॉडिफिकेशन कराने जाएंगे। क्या क्या करवाएंगे मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ आपको, ऐसे बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, दर्शन ब्लॉग में बताएंगे सारा, है ना, ब्लॉग में आपको दिखाएंगे। बताने में मैं ज्यादा बिलीव नहीं करता, बताने में नहीं दिखाने में बिलीव करता हूँ मैं। दिखाने में क्या? दिखाने में, हाँ दिखाने में, बताने में नहीं, हम चीजें दिखाने में बिलीव करते हैं। हमसे पूछो मत, आप देख लो, है ना मंजिया? ठीक है, आप पूछो मत, आप लोग देख लो। आज बढ़िया बढ़िया मोटिवेशन होंगे, अब आपको बताएंगे नहीं, ओनली दिखाएंगे। वेरी इलीगल बॉय बंसी चौधरी, बेल्ट पहनी है ना आपने, बेल्ट पहनी है ना आप, दोनों हाथों से गाड़ी चला रहे हो, इतने इलीगल काम कर रहे हो आप। ये मेरा ब्लॉग कोई पुलिस आया देखेगा, उसके बाद क्या करोगे आप? जेल की सलाखों के पीछे चल जाओगे आप? पुलिस वाले तो अपने भाई है। अरे आपके भाई है क्या पुलिस वाले? ये हम लोग आ गए हैं कांग्रेस कार्यालय, मेरे पापा का ऑफिस। ये देखिए अपने भाई बनवारी भैया। हेलो ब्रदर, हेलो, कैसे हो भैया? बस बढ़िया। ये नई गाड़ी कैसी लग रही है हमारी? बिल्कुल मस्त है। अब ये सुनो, ये जो जूस है ना, ये जूस ये पापा तक पहुंच जाके एकदम बढ़िया तरह से, ये आप लोग देख सकते हैं, मेरे पापा का ऑफिस है। बनवारी भैया बहुत मस्त आदमी है, सारा का सारा काम यहाँ बनवारी भैया ही संभालते हैं। तो बनवारी भैया ये आप पापा तक पहुँचा दीजिए, अब हम लोग जा रहे हैं गाड़ी में कुछ काम कराने। बाय। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं के एस कार डेकोर। तो आज हम लोग कराने वाले हैं फुल मॉडिफिकेशन अपनी गाड़ी में, ऐसे बहुत खतरनाक मॉडिफिकेशन नहीं कराएंगे, कुछ बढ़िया चीज़ें कराएंगे, कुछ बेसिक चीज़ें कराएंगे, तो आपको दिखाते हैं। जैसे जैसे कराएंगे वैसे वैसे दिखाएंगे। हेलो भैया, कैसे हैं आप? बस भैया ठीक है, आप बताओ भैया। आगे सारे सामान अपने मॉडिफिकेशन के, सारा सामान क्या क्या मंगवाया जरा बता सकते हैं? भैया अपन ने इसके सीट कवर मंगवा लिया, मैट वगैरह सारी मंगवा ली, और इसमें जो लाइट वगैरह एक्स्ट्रा लगेगी वो भी मंगवा लिया अपन ने। एक मैट मंगवाई अपन ने, 70 मैट होती है, उसकी लाइफ ज़्यादा बेटर होती है, वो मंगवा लिया अपन ने इसके लिए। अच्छा, एक हूटर मंगवा लिया आपके लिए। अरे वाह, बाकी और सारी चीज़ें अभी दिखा देता हूँ मैं आपको, और सारी बढ़िया चीज़ें मंगवाई है, एकदम क्वालिटी मंगाई है भैया सारी चीज़ें। चलो तो जैसे जैसे लगाते जाएंगे वैसे वैसे आप डिटेल में बता देना। हाँ भैया, हाँ भैया। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं अपनी सीट जो है आ गई है अंदर, और ये कवर बता रहे हैं दर्शन, कैसा लग रहा है कवर? भैया वो लगनी है, अच्छा लगेगा, अभी तो ठीक ठाक ही लग रहा है दर्शन। अब देखते हैं जरा एक बार ये लगाएंगे सीट के ऊपर, उसके बाद चेक करते हैं। अरे अरे मैं चाटे की मार रहा था, भैया मर जाएगा वो, बैठ नहीं होता ना भैया। हाँ भाई दर्शन बैठ के इसका टेस्ट कर जरा एक बार, कंफर्ट टेस्ट कर। ओह बढ़िया भैया, मजा आ गया, थैंक यू सो मच। नमस्ते भैया, कैसे हैं आप? बढ़िया। ये भैया वही भैया है जिनने हमारी गाड़ी में ब्लैक फिल्म चढ़ाई थी। और भैया कैसे चल रहा है आपका बिजनेस? बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है यार। तो ये तो सरकार मना करती है ब्लैक फिल्म लगाने के लिए, सरकार क्या करेगी? जवाब दो, हमारे कुछ मित्र गण हैं जो वीडियो देख रहे हैं, वो भी अपनी गाड़ी में लगाना चाहते हैं, तो अपना फोन नंबर बता दो एक बार। 98 आगे 292 111 826। तो गाइस जिनको भी ब्लैक फिल्म लगवानी है मुझे कॉन्टेक्ट कर लेना, बहुत सफाई से काम करते हैं और बहुत प्रोफेशनली काम करते हैं। आप कौन से सन से लगे इस लाइन में? 1986 से भैया इस फील्ड में है। उस टाइम पे तो इलीगल था ये सब? लीगल था, लीगल था। भैया को कभी पुलिस ने नहीं पकड़ा? पुलिस पकड़ के रोटी और खिलाती है। बोलती है हमारे भी लगा लो। धूम्रपान पड़ेगा महंगा, प्लीज इस आदत को छोड़िए भैया, क्या कर रहे हैं आप? यही तो नहीं छूटते भैया। अरे यार सब छूट जाए, ये नहीं छूटते, पावर मिलती है हमारे। अच्छा काम करने वालों को यही है। अरे यार तो अब आप में तगड़ी पावर आ गई, खतरनाक वाली? अरे काम ही जब करूँगा आपकी गाड़ी। अच्छा अच्छा, अब भैया मैं आ गया खतरनाक एनर्जी, अब भैया करेंगे एकदम फुर्ती से काम, है ना भैया? और सीट फट जाएगी, ज्यादा फुर्ती से मत करना। मजे ये क्या कर रहे हो आप? सोने की तैयारी। माहौल बना दो भाई, माहौल बना दो सोने का। सो जा बंसी तू सो जा। तो होने वाली है एक बहुत ही खतरनाक अनबॉक्सिंग। वीआईपी उतरा होता है, सुनो मंजिया, ये वीआईपी उतरा होता है, ये इसका एम्पलीफायर होता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये एम्पलीफायर होता है। दर्शन मंजिया को बता कैसे? ये इसका रिमोट होता है, ये इसका चार्जर सॉकेट होता है,
ये इसकी वायरिंग होती है ठीक है भैया। चीज क्या है लेकिन ये वीआईपी हूटर बोलते हैं इसको, सायरन बोलते हैं भैया। ये अपन क्यों लगा रहे गाड़ी में? ये भैया वॉइस जो बाहर तक जाएगी उसके लिए होता है। आप वॉइस कंट्रोल कर सकते हो इसमें, चार पांच वॉइस होगी इसमें, वो जीत कर सकते हो आप इसमें, वो सारी चीजें होती है इसमें। मतलब यहाँ से बोलेंगे हेलो हेलो कंप्लीट सारी चीजें शो। देख ले बल्लू तेरे कहने पे ये भी करवा दिया। और बता क्या चीज़? सारी चीजें कंप्लीट होगी भैया। और देखो और कुछ भी है अपने पास? ये बल्लू जेल भिजवा के छोड़ेगा। बल्लू क्यों, क्या गैर कानूनी काम करवा रहा है? ये बल्लू को पता है गैर कानूनी काम करवा रहे जी। क्या भैया? ये इसका सायरन है भैया। भैया अपन कैसे कैसे काम कर रहे हैं भैया यार। ये आवाज़ सुना दो एक बार। अभी आवाज़ सुना देता हूँ भैया, पाँच मिनट रुकाओ गाड़ी में, अडेप्ट होगा उसके बाद चालू रहेगा ना, इंस्टॉल करेंगे इसको। क्या बन जाए, मजा आ रहा है इसे देख के? मजा तो अभी आएगा इसको लगा के सुनेंगे तो। मैट भी देख सकते हो भैया आप, ये इसके 70 मैट आ गई। ये अपनी 70 मैट आ गई। ये 70 मैट होती है भैया, अगर डस्ट वगैरह लगे तो इसको बाहर निकाल भी सकते हैं अपन। अच्छा है ना, साफ कर लो इसको, वापस लगा सकते हैं। ये लॉक होते हैं इसके, ये लॉक लग गए इसके। इसका 640 पावर पॉइंट। अच्छा, ये पर चैनल 240 पावर पे काम करता है। ये अल्पाइन की बेस्ट ट्यूब है, अपन देखते हैं सब लोग सोनी के लगवाते हैं, जेबीएल पायनियर लगवाते हैं, ये उनसे सबसे ऊपर ब्रांड है भैया। तो ये अपने थार में बढ़िया लेते आउटपुट, एक नंबर चीज। तो ये लगेगा कैसे? इसको तो लगा ही नहीं सकते ना आप तो। इसको करेंगे भैया व्यवस्था, इसको लगाएंगे आप गाड़ी में। अच्छा, इसी को लगा दो गाड़ी में। हाँ, जगह तो नहीं है लेकिन देख रहे हो आप लोग, भैया जुगाड़ बैठेंगे। देख सकते हैं बेस्ट ट्यूब यहीं पड़ी हुई है ठीक है। ये स्टीयरिंग कवर है। हाँ, ये मोको का स्टीयरिंग कवर आता है। अभी जितने भी आपने स्टीयरिंग कवर देखे वो नॉर्मल स्टीयरिंग कवर देखेंगे। ये वाला देखो आप, ग्रिपिंग वाला स्टीयरिंग कवर है ना, ये हीटिंग करेगा। हाँ, ना इससे हाथ में पसीना वगैरह कुछ। जैसे मैं एक हाथ से ड्राइविंग करता हूँ तो एक हाथ से। हाँ, ये स्लिप नहीं होता भैया, स्लिप नहीं होगा ना, इसलिए ये डोटेड देते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये एक HID किट आता है हेडलाइट के लिए भैया। अच्छा, अपनी गाड़ी में कंपनी से येलो बल्ब आता है, ये व्हाइट बल्ब अपन डालेंगे। ठीक है, तो इससे क्या अपनी गाड़ी की रोशनी अच्छी हो जाएगी, इसको बोलते हैं HID किट। ये इसके बल्ब आते हैं, केवल बल्ब चेंज होता है भैया उसमें, और कुछ नहीं करना पड़ता अपन को। अच्छा, लेकिन इससे वारंटी ब्रेक हो जाती है? नहीं, इससे नहीं होती भैया। लाइट अभी पीली आ रही है ना, वो व्हाइट हो जाएगी। वाओ, देखो देखो कितना फैंसी बॉक्स है यार। ये इसके क्रॉस ओवर आते हैं भैया, इनके बिना ये अडेप्ट नहीं होगी। इसका सोचना पड़ेगा, दर्शन सोच के बताएंगे इसका क्या करना। लगवाई लेते हैं, देख लेते हैं। लगवाई लेते हैं। बंसी आपका क्या कहना है? लगवाएंगे। ये जो यहाँ पे आर्मरेस्ट लग रहा है अपनी गाड़ी के पीछे और आगे दोनों जगह लगेंगे। अपना नया नया यहाँ पे आर्मरेस्ट भी लग गया है। जब ये बेस ट्यूब हो गई, ये अपना आर्मरेस्ट है इधर, और देख सकते कि तगड़ा है। इसके अंदर अपन सामान रख सकते हैं ऐसे, यहाँ फोन वोन रख लो अपना, और ये अपना नेक, ये देखो यहाँ पे तकिया भी है। नेक पे सो जाओ सो जाओ। और ये अपनी 70 मैटिंग लग चुकी है। ये अपना फ्रंट आर्मरेस्ट, इसमें ही पूरा खोलने खालने की व्यवस्था है। और अपनी ब्लैक फिल्म लग चुकी है। पीछे अभी कुछ नहीं लगा है, तो पीछे अपन एक फ्लैग लगा रहे हैं वहाँ से यहाँ तक जो होता है। ये अपनी गाड़ी का फ्रंट लुक है। फिलहाल जो बेस ट्यूब है वो फाइनल नहीं है, अभी सब ऊपर आएंगे बॉक्स वाले, वो यहाँ लगेंगे। उसके बाद ये बेस ट्यूब हट जाएगी और ये एम्प इसके नीचे चले जाएगा। कैसे भी इसको फिट कर देंगे, ये दिखेगा नहीं। खाली बस यहाँ पे दो सब ऊपर के बॉक्सेस दिखेंगे और तब गाड़ी कंप्लीट होगी। दो तीन काम रह गए हैं। दिस इज द फाइनल लुक, काफी बढ़िया लग रहा है। मैं तुम्हें जरूर बताऊँ, काम तो A1 हुआ है। थोड़ा टाइम लग गया है क्योंकि भैया बनना नहीं था, आज सभी इतनी छुट्टी पे गए हुए हैं। काम A1 हुआ है, लेकिन मैंने मैं दिल तोड़ दिया एक चीज पे। क्या? हमारा म्यूजिक सिस्टम ही लगाया। सब काम बढ़िया हुआ है, A1 हुआ है, सिर्फ म्यूजिक सिस्टम में भैया ने दिल तोड़ दिया है। म्यूजिक सिस्टम कब लग जाए भैया? भैया मंडे को म्यूजिक सिस्टम का सेट करवा दूंगा आपको पूरा कंप्लीट। चलो ठीक है, देखा जाएगा उसका। मंडे को हो जाना चाहिए क्योंकि मंडे को हमें कहीं जाना है इंपॉर्टेंट काम से। तो अभी तो कोई बात नहीं, हम लोग बेस ट्यूब से काम चला लेंगे। पीछे एक सीट पे बंदा बैठ नहीं पाएगा, बस ये दिक्कत है क्योंकि सीट के ऊपर रखी है बेस ट्यूब। और फिर अभी मंडे को भैया के पास वापस आएंगे दूसरे स्पीकर लगवाने के लिए। दूसरी अपन लोग लगवाएंगे, वूफर वगैरह जो भी भैया बोल रहे हैं वो लगवा लेंगे। तो उसका तभी देखा जाएगा, अभी पता नहीं ये लोग क्या ले रहे हैं, देखते हैं जरा क्या ले रहे हैं। ये ले रहे हैं, ये क्या है? ये अपना परफ्यूम हो गया, ये टाइप सी हो गई, और ये आईफोन की केबल हो गई। अरे वाह, हमारे बहुत अच्छा काम किया भैया ने। भैया अपने शॉप का एड्रेस बताओ भैया। अपनी शॉप है मांत रोड सोनपत, केस कार डेकोर, न्यू सांगानेर रोड पर। अच्छा, कार्तिक भाई का नाम लेके आया तो
भैया कार्तिक भैया जिसको भेजेंगे कार्तिक भैया के लिए स्पेशल डिस्काउंट होगा उसके लिए। ठीक है, जो भी आएगा यहाँ पे मेरा नाम ले लेना, ये वीडियो भी दिखा दे हम भैया को, आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है भैया, एक बार जानो बता दो कितने तक का काम आज हुआ अपनी गाड़ी पे? कितने? भैया लगभग 5 घंटे लग गए अपनी गाड़ी में। नहीं कितने तक का प्राइस अमाउंट? लगभग 70,000 काम हो गया अपनी गाड़ी में। 70,000 काम हुआ? वैसे वो काम अगर आप कहीं और से कराओगे तो आराम से 1,00,000 तक आदमी एट लेगा अपन से, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं हम करोड़बाग से करेंगे, यहाँ से करेंगे, 200 फीट से करेंगे, कोई मतलब नहीं है। नोन से करवाओ, अच्छा काम करवाओ, जेनुइन काम करवाओ, सही। अभी मेरा नाम लोगे तो भैया और बढ़िया काम करेंगे आपके, है ना भैया? हाँ भैया। तो चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मिलते हैं अभी अपन लोग। दर्शन निकले अभी यहाँ से? निकलते हैं, अभी हम जा रहे हैं प्रोग्राम में। यह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पापा के पोस्टर लगे हुए हैं। आज मिलन समारोह होने वाला है सारे के सारे ब्राह्मणों का, तो आपको भी पूरा दिखाएंगे, यहाँ पे पूरी सिक्योरिटी हो रखी है। तो अब भैया आपको बताएंगे कि यहाँ पे किस चीज़ का प्रोग्राम हो रहा है, तो थोड़ा आप बताइए जनता को। आज राजस्थान ब्राह्मण समाज का स्नेह मिलन कार्यक्रम है। अच्छा अच्छा। कोरोना अच्छा। काल में सब लोग इर्द गिर्द थे, एक दूसरे ने किसी को खोया है, अब एक दूसरे से मिलेंगे जुलेंगे और समाज को अच्छी दिशा की ओर कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं सामाजिक संगठन के लोग। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो अभी यहाँ पे नाम किस चीज़ के लिए लिखवा रहे हैं हम लोगों का? अच्छा, रजिस्ट्रेशन से लकी ड्रॉ निकलेगा। अच्छा, लकी ड्रॉ भी निकलेगा क्या यहाँ पे? लकी ड्रॉ में मैं जीतूंगा सोने की चेन। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। प्राचीन काल से ही ब्राह्मण अपने दायित्वों का निर्वहन करते आए हैं और करते ही रहेंगे।